दोस्तों आज की कहानी में दिखाते हैं कि एक लड़के को सुपर पावर मिल जाती है और वो ऐसी सुपर पावर होती है कि जो वो चाहेगा वो दूसरों को भी फील कराएगा। अब वो इस सुपर पावर से वो लड़का क्या क्या करेगा जानने के लिए इस पूरे वीडियो में आपको बने रहना होगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक बुड्ढा दिखाया जाता है जो कोई रिचुअल कर रहा होता है और रिचुअल करते समय उसे करंट लग जाता है और उसे पता चलता है कि सारी एनर्जी और एक अजब तरह की ताकत उसके शरीर में आ गई है। अब हम हमारे मेन कैरेक्टर केली को देखते हैं जिसको एक अजीब तरह की बीमारी है, उसे कागज़ खाने की आदत हो गई है। वो आज शॉपिंग मार्केट में जा रहा है शॉपिंग करने, तभी उसके कुछ फ्रेंड कॉलेज के मिल जाते हैं, वो उसे वहीं पर बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर केली के बचपन की फ्रेंड डोमिनिक आ जाती है, वो उसे बचाने लगती है बुली करने से, लेकिन वो लड़के और ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और उसे उठा के कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। और तब शॉप की ओनर आ जाती है बचाने के लिए, जिसे देखकर लड़के तुरंत भाग जाते हैं और डोमिनिक बोलती है कि मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर देती हूँ स्कूल, लेकिन उसकी सहेली बोलती है कि नहीं, ये कचरे में था इसलिए इसे ले जाना ठीक नहीं होगा। जब केली स्कूल पहुँचता है तो वहाँ पर उसके कचरे में डालने वाली जो वीडियो थी वो वायरल हो चुकी थी, जिसके कारण हर कोई उसका मजा ले रहा था। अब वो अपने घर जाता है स्कूल के बाद। उसकी माँ पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा, वो कहता है कि आज मेरी डोमिनिक से मुलाकात हुई। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें डोमिनिक तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, उसके साथ तुम्हें डेट करनी चाहिए। डोमिनिक भी केली को पसंद करती है। अगले सीन में रेडल नाम का एक आदमी ग्रेव पर बैठ के रोता है क्योंकि वो सारी शक्तियाँ जो एक आदमी ले जा चुका था उसे प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडल की थी। उधर ज़्यादा कागज खाने के चक्कर से केली की तबीयत खराब हो जाती है, वो एक डॉक्टर को बुलाती है। वो डॉक्टर बोलता है कि केली को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा और ये बचपन से ही है। ये डॉक्टर चला जाता है। केली अपनी माँ को परेशान करता है, थोड़ा बहुत उसके साथ मजाक करता है क्योंकि डॉक्टर का उसकी माँ के साथ चक्कर चल रहा था। उधर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी जो कि एनर्जी ले चुका था ग्रेव से, वो दावा करता है कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ और मैं किसी की भी बीमारी सही कर दूंगा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेता है, इसी में से एक औरत को वो सही कर देता है, उसकी प्रॉब्लम को सही कर देता है, वो चल फिर नहीं सकती थी। तब सभी तालियां बजाने लगते हैं। इसी बीच में केली की माँ आ जाती है, वो उस बुड्ढे को अपने घर ले जाती है ताकि केली की तबीयत को सही किया जा सके। इसी बीच में रेडल आता है, वो बुड्ढे की सारी बातें सुन चुका रहता है। वो तुरंत बोलता है कि ये पावर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए कोशिश करो इस पावर को मुझे दे दो। पर वो बुड्ढा बिल्कुल भी नहीं तैयार होता है, वो कहता है मैं इस पावर को ले लूँगा, मैं इस पावर को अपने पास रखूँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। इसके बाद वो बुड्ढा केली के घर आ जाता है। केली के शरीर को जैसे वो छूता है केली का सारा दर्द गायब हो जाता है, लेकिन वो पूरा दर्द उस बुड्ढे के शरीर में आ जाता है और बुड्ढे को एक गजब का झटका लगता है जिससे वो वहीं मौके पर ही दम तोड़ देता है। लेकिन केली की तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है, वो बिल्कुल फिट हो जाता है। बुड्ढे की सभी पावर अब केली में आ चुकी थी। अगले दिन जब वो साइकिल बना रहा था तो उसी समय उसके हाथ पे कट लग जाता है और वो कट अपने आप सही होने लगता है। इससे पता चल जाता है कि उसके पास शक्तियाँ आ चुकी हैं। केली माँ बाग काफ़ी थकी हुई थी, वो ऑफिस जा रही थी, पर जैसे ही केली के को गले लगाती है उसके अंदर तुरंत ताकत और ऊर्जा भर जाती है। अब वो बड़े आराम से ऑफिस जा रही थी। इधर केली भी अपने टाउन की तरफ जा रहा था। टाउन में उसे डोमिनिक अपनी फ्रेंड के साथ मिलती है जो उसकी एनर्जी को देखकर बहुत खुश होती है, कहती है कि तुम तो काफ़ी एनर्जेटिक और रिफ्रेश फील कर रहे हो। इसी बीच में तुरंत ट्रेड आ जाता है, वो केली को देख के गुस्सा आ जाता है और उसे बुली करने लगता है, यहाँ तक कि उसके पेट पर भी एक घूसा मारता है। पर उसे खुद ही उल्टा दर्द होने लगता है क्योंकि अब केली के अंदर पावर आ चुकी थी और इसका प्रभाव साफ साफ दिख रहा था। फिर रेड और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सोचता है कि मैं केल के मुंह पर एक ज़बरदस्त मारूं, पर जैसे ही वो केल के मुंह पर मारता है उसको ही उल्टा चोट लग जाती है। अब केल इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी पावर उसके लिए काम कर रही है। वो भागते हुए रीड से बोलता है कि तुम्हारा जब जी करे तब मुझे मार सकते हो, तुम्हें आराम से इसका फल मिल जाएगा। और फिर उसके बाद वो अपने घर लौटने लगता है। लौटते समय वो एक जॉब एप्लीकेशन देखता है जहाँ पर रुक जाता। घर आके केली सारी बातें अपनी माँ को बताता है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी रेड के फादर वहाँ पर आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का उसने मेरे बेटे को मारा है। इस पर केली की माँ बोलती है कि तुम्हारा बेटा हर बार मेरे बच्चे को बार बार परेशान करता था। तो वो कहता वो तो मुझे पता था, लेकिन ये कैसे हुआ कि तुम्हारे बेटे को मेरे बेटे ने मारा और उसे चोट लग गई, मैं इस बात का पता ज़रूर लगा के रहूँगा, ज़रूर कुछ इसमें दाल में काला है। केल अपनी माँ को बताता है कि यही बात मैं आपको बताना चाहता था, आप मुझे पिंच करके देखो आपको ही दर्द होगा और ऐसा ही हुआ। फिर उसकी माँ बोलती है अगर ऐसा है तो फिर तुम ट्राई करो कि तुम्हें किन किन चीज़ों से दिक्कत नहीं होती है। वो उसके हाथ को जलाती भी है और उसका कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है। फिर उसकी माँ बोलती है कि अब हमें ये बात पूरी तरीके से राज रखनी होगी, किसी को भी नहीं बतानी होगी। अगले दिन केल स्कूल जाता है, वहाँ स्कूल में बैठा हुआ वो डोमिनिक का रबड़ बैंड पाकर उसे सूंघता है जिससे वो
अपने दिमाग में सोचने लगता है कि वो डोमिनिक के साथ इंटीमेट कर रहा है। इसी बीच में डोमिनिक के अंदर अराउजल होने लगते हैं, साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि इसमें उसकी फ्रेंड भी है और उसकी फ्रेंड को भी वो सारी चीज़ें होने लगती हैं, यानी कि जो वो सोच रहा था वो उनकी फ्रेंड पर अप्लाई होने लगा था। ऐसे में केली क्लास से तुरंत भाग जाता है। रात के समय सारे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे, यहाँ पर डोमिनिक का बॉयफ्रेंड आता है जो उसे गोदी में उठा लेता है। इस पर केली को गुस्सा आता है, वो उसे रोकने के लिए बोलता है। नेल्सन बोलता है कि क्या उखाड़ लेगा तू, जा भाग यहाँ से। जब पार्टी ख़त्म होने के बाद केली लौट रहा होता है साइकिल से, तो पीछे से नेल्सन और उसके साथी कार से बहुत तेज़ी से आते हैं और उसे ऑलमोस्ट कुचल देते हैं। ऐसे में अपोजिट इफेक्ट के चलते केली को सिर्फ चोटें आती हैं जो तुरंत हील हो जाता है, लेकिन जो कार ड्राइवर था वो तुरंत वहीं मर जाता है। केली इन सबसे परेशान होकर सारी सच्चाई अपनी पावर वाली डोमिनिक को बता देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस पूछती है कि क्या हुआ। नेल्सन और उसके साथी सारा इल्ज़ाम केली पर लगा देते हैं, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि केली साइकिल चलाते हुए कैसे इन लोगों का एक्सीडेंट कर सकता है। पुलिस ऐसे में बात को रफा दफा करती है पूरे केस को, और आगे हम सीन में देखते हैं एल्गोर फ्रूगल बुड्ढे की कब्र पे पड़े हुए फूलों पे कुछ जादू कर रहा है। वहीं नेल्सन और उसके साथी केल का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो उससे बदला ले सकें अपने दोस्त की मौत का। कॉलेज कैंटीन में केली और डोमिनिक एक साथ बैठे हुए हैं। डोमिनिक उससे बोलती है एक नई मूवी आई है, चलो चलते हैं। इस पर केली बोलता है ठीक है, क्या तुम मुझे डेट के लिए बुला रही हो। और इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम को रेडल केल से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या तुम फ्रूगल को जानते थे। वो सारी पावर वाली बातें उसको बता देता है, और इस पर रेडल समझ जाता है कि सारी की सारी जितनी पावर थी वो इस लड़के में अब आ चुकी है। उसी रात केली की माँ का सर दर्द हो रहा था, तो केली ने सोचा अपनी माँ के लिए क्यों ना दवा ले आऊँ, तो वो कार लेकर शहर की तरफ दवा लाने के लिए निकल जाता है। इसी में नेल्सन और उसके साथी ये समझ जाते हैं कि ये कार से उसकी माँ गई है और घर में अकेला सिर्फ केली पड़ा है, क्यों ना उसे मार दिया जाए। ऐसे में वो ट्रेलर को अपनी गाड़ी से बांध देते हैं और इसके कारण ट्रेलर गिर जाता है। गिरने के कारण अंदर जो गैस होती है वो पूरी तरीके से लीक हो जाती है। केली की माँ बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती है, और ब्लास्ट के कारण वो उसी में मर जाती है। अपनी माँ को बचाने में केली थोड़ा बहुत झुलस गया था और जल भी गया था। डॉक्टर्स उसको देखते हैं पर वो तुरंत बहुत तेज़ी के साथ रिकवर होकर सही हो जाता है। शेरिफ भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा भौचक्का था। इसी बीच में रेडल आ जाता है वहाँ पर। रेडल पुलिस को बताता है कि इसके अंदर सारी की सारी पावर हमारे पूर्वजों की आ गई, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से रिकवर कर जाता है, पर उसकी बात को पुलिस बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। अगले सीन में केली की माँ का फुनरल हो रहा होता है। वहाँ पर केली को सपोर्ट करने के लिए डोमिनिक आ जाती है। जब सभी चले जाते हैं तब केली फ्रूगल की कब्र के पास जाकर एक पत्ता खा लेता और हम देखते हैं उसे उल्टी होने लगती है। इसी बीच में शेरा झाड़ियों के पीछे उसे छिप कर देखती है। पुलिस वाले अब केली की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। शेरिफ बोलता है तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस गड़बड़ था, इसीलिए शायद वो गिरा और तुम्हारे माँ की मौत हो गई। पर इसी बीच में कार से जाते हुए नेल्सन के दोस्त केल को दिख जाते हैं। वो समझ जाता है कि इन्हीं लोगों की ये करतूत है। तुरंत वो चलती हुई शेरिफ की कार से कूद जाता है। भागते हुए केली वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर नेल्सन और उसके साथी जंगल में नदी के किनारे नहा रहे थे। वो तुरंत उन्हीं में से एक का कपड़ा लेकर अपने गले पे रैप कर लेता और उसे तेजी से दम घोटने जैसा करता है, जिससे नदी में नेल्सन का एक दोस्त तुरंत छटपटाने लगता है और वो वहीं पर दम तोड़ दे। नेल्सन और उसके साथी बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी उसे बचा नहीं पाते हैं। इतने में केली निकलकर ये बोलता है कि तुम्हारा एक दोस्त तो मारा गया, लेकिन अब तुम तीनों की बारी है। तुरंत वहां पर वो देखता है कि शेरिफ भी उसे खोजते खोजते आ गया था, तो जंगल के रास्ते वो तुरंत भाग जाता है। ये जब शेरिफ वहाँ पर आता है तो नेल्सन और उसके साथी ये बात उसे बताते हैं कि ये सारा काम केली ने किया है। डोमिनिक को भी ये बात पता चलती है तो केली से पूछती है कि आखिर में तुमने ऐसा सब क्यों किया। डोमिनिक केली को बोलती है कि तुमने जो किया वो गलत किया, तुम्हारी माँ अगर होती तो कभी भी तुम्हें ऐसा ना करने देती, वो उसे बहुत समझाती है। इस पर केली मान जाता है और कहता है कि वो अब कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। अगले दिन केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब में केली नेल्सन और उसके साथियों का मस्ती लेता है, उनके मजाक उड़ाता है। इसी बीच में नेल्सन का एक साथी गुस्सा आ जाता है, वो केली पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो तुरंत एसिड उठाकर केली के मुंह पे फेंकता है, लेकिन केली के मुंह पे जाने के बजाय रिवर्स इफेक्ट होता है और उसका दोस्त एसिड से झुलस के मर जाता है। इस पर डोमिनिक केली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। केली तुरंत वहाँ से भाग जाता है। रात में शेरा नेल्सन से मिलती है। शेरा को केली की वीकनेस के बारे में पता था, साथ ही साथ वो चाहती थी कि अब उसके जो फ्रेंड है जो मरे हैं उन सबका बदला केली से लिया जाए, तो इसलिए वो सारी बात नेल्सन को बता देती है कि ताकि वो बदला ले सके।
रात में ही वो दोनों जाकर कब्र के ऊपर से वो सारे पत्तियां इकट्ठा कर लाते हैं और उसका एक जूस बनाते हैं। अगले दिन फुटबॉल ग्राउंड में वो सब इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर शेरिफ आता है और उन सबको बताता है कि किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करनी है तुम लोगों को। यहाँ पर केली के हाथ में एक ड्रिल मशीन थी, वो नेल्सन को बोलता है कि जो तुम लोगों ने किया है उस चीज़ को बता दो मेरी माँ के साथ, नहीं तो मैं तुम लोगों का वो हाल करूँगा जो किसी ने अब तक नहीं किया है। वो तुरंत ड्रिल मशीन से अपने पैरों में छेद करने लगता है, जिसका इफेक्ट नेल्सन पर होने लगता है। नेल्सन गिर जाता है, पर वो तुरंत लिक्विड स्प्रे से केली के ऊपर छिड़कने शुरू कर देता है, जिससे केली की हालत ख़राब होने लगती है बहुत ज़्यादा। इसी बीच में शेरिफ की बंदूक लेकर नेल्सन का फादर केली के ऊपर बंदूक से गोली चला देता है, पर केली के पावर के चलते वो गोली तुरंत नेल्सन और उसके फादर को लग जाती है, जिससे वो दोनों वहीं मौके पर मर जाते हैं। डोमिनिक तुरंत वहां पर पहुँच कर केली को ही सबके लिए दोषी मानती, वो कहती तुम्हारी पावर के कारण ये सब हुआ है। शेरिफ भी बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो पावर है उसी के कारण ये सब हो रहा है, तुम्हें इस पावर को तुरंत ख़त्म करना होगा। केली भी अपनी पावर से बहुत ज़्यादा परेशान था, वो अब इस पावर को छोड़ना चाहता था। हम देखते हैं कि रात में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं कब्र के पास, वहां पर सब लोग रिचुअल कर रहे थे ताकि केली की पावर ख़त्म हो जाए। रिचुअल से केली की हालत ख़राब होने लगती है। रेडल बोलता है कि बहुत लंबे समय तक पावर इसके पास थी, इसलिए इस पावर के हटने के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। ऐसे में डोमिनिक केली से बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जब केली भागने लगता है तभी उन्हीं में से एक पुलिस वाला बंदूक से गोली चला देता है, जिससे वो गोली केली और डोमिनिक दोनों को लग जाती है और दोनों के दोनों वहीं पर मर जाते हैं। अब शेरिफ रेडल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पावर आई। रेडल बोलता है नहीं नहीं अभी भी मेरे पास पावर नहीं आई है। जब पुलिस एम्बुलेंस में केली और डोमिनिक की बॉडी को लेकर जा रही थी तब एकाएक डोमिनिक उठ जाती है, यानी कि पता चलता है हमें कि जो पावर थी वो डोमिनिक में आ चुकी थी। और अब डोमिनिक तैयार हो जाती है उन सभी से बदला लेने के लिए जिन्होंने केली को मारा था। इसी के साथ दोस्तों मूवी का एंड हो जाता है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू।